Hello, welcome to Classes by Vijayata. I'm Vijayata, and our today's topic is the five generations of computers. So when we talk about the generations of computer, we mainly talk about how computers have evolved over time. So initially, what we know about computers is it was a very large sized machine, which was used for doing simple calculations. Simple calculating machine it used to be. And with that simple calculating machines, now it has become a very powerful machine which can do wonders. Pata nahi kya kya. Aaj ke time ka computers itna powerful hai ki us simple jo uska jo main kaam tha, jiske liye usse pehli baar banaya gaya tha, simple calculations, simple arithmetic calculation, usse kahin aage ja chuka hai. Aur bahut sari activity, even like human, 70% of the functions are done by computers. Unka bahut sara kaam computers ke through hone laga hai. And now the time has come that humne machine ko banaya, humne computer ko banaya, but computer has become more powerful than human beings nowadays. So we'll talk about generations of computer in this video, and we will talk about what is the difference between the different generations of computer. What are the different types of generation, or what are the different type of mechanisms due to which the generation of computers have been divided? I'm Vijayata. Welcome to this video, and please do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So generation of computer. Generation of computer is mainly the evolution of computer over time. वक्त के साथ साथ computers में क्या changes आए, उसी को बताने के लिए जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टडी किया जाता है. एंड देर आर फाइव जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. करेंटली देर आर फाइव जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एंड इन द फॉलोइंग सबसेक्शंस विल लेट यू नो क्या क्या जेनरेशंस हैं एंड हाउ दिस जेनरेशंस हैव बीन डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन देयर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड. लाइक the speed, we talk about the speed over time. Kitne kis generation ki speed jyada thi, kis generation ki speed kam thi, ye sab kuch hum generations of computers mein padhte hain. To generation of computers, computers ko generation by generation divide karne ke piche what was the major objective? Major objective was to identify, to put a clear demarcation of what was the hardware technology being used, and वक्त के साथ साथ जो मशीन है वो कितनी पावरफुल होती गई. कंप्यूटर इज सच अ मशीन विच वाज लाइक, जब उसका स्टार्ट हुआ इनिशियली, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो एक बड़े से कमरा, या आप समझ सकते गोडाउन टाइप के स्पेस में उसकी उतनी स्पेस की जरूरत होती थी. वो सिंपल हम पंच कार्ड्स यूज करते थे कंप्यूटर्स चलाने के लिए, जो कि आज एक माइक्रो प्रोसेसर, एकदम टाइनी सी चिप साइज, जो आप ऐसे नॉर्मली अगर कहीं गिर जाए तो, खो जाए तो आप उसे ढूंढ भी नहीं सकते, एकदम टाइनीस्ट फॉर्म में आ गया है. और उसका जो साइज है, जितना ज्यादा साइज कॉम्पैक्ट होते गया, कंप्यूटर्स उतने ही ज्यादा पावरफुल होते गए. सो विल सी व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट वाज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसको कि हम 1940 से 1956 का टाइम कहते हैं, उस समय द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. ये जो ट्यूब आपको नजर आ रहा है, एनी से लिखा हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था. एंड दीज वैक्यूम ट्यूब्स वेयर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ नियर वैक्यूम व्हिच अलाउज अ फ्री पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम सर्कुलेटरी मूवमेंट के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स को मेमोरी के लिए हम यूज करते थे, और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसका इस्तेमाल करके हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बनाया. दे वर वेरी इनॉर्मस इन साइज एंड ऑलमोस्ट टुक अ रूम साइज. इतने बड़े थे कि आप एक रूम में से रखना पड़ता था, एक कंप्यूटर का रूम में, तो हम अभी भी रखते हैं, लेकिन उसने उस समय पूरा का पूरा एक रूम एक कंप्यूटर ले लेता था. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज पर रिलाई करता था. देखिए, कंप्यूटर्स और ह्यूमन बीइंग दोनों के बीच में लैंग्वेज का डिफरेंस है. हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी,
रशियन, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं बोलते हैं, हमारा डिक्शन है वो, हमारा लैंग्वेज है वो, मशीन्स के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसको वो मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और मशीन्स को अगर आप कंप्यूटर्स को देखेंगे तो उनकी सिंपल एक ही लैंग्वेज है, जीरो एंड वन। वो सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वन समझते हैं, एंड जीरो इज ऑफ एंड वन इज ऑन, इलेक्ट्रिक करेंट आना, इलेक्ट्रिक करेंट नहीं आना। तो जीरो वन का लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज इसको हम कहते हैं, बाइनरी कोड्स। कंप्यूटर सिंपल बाइनरी कोड्स पे काम करते हैं, लेकिन इन बाइनरी कोड्स को हम मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर्स तक पहुंचाते थे, एंड वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस। बिकॉज कंप्यूटर्स का काम क्या है, कंप्यूटर का काम है हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेना और हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन उसको देंगे कैसे, उसके लिए वी यूज टू हैव मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज टू हैव मशीन लैंग्वेज, एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, विच वॉज ऑफन कॉज मैल फंक्शन। जहां भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, हीटिंग होगी, वो मशीन ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन या फिर डिफेक्ट में चली जाती है। बिकॉज उससे क्या होता है, टेक्निकल एरर्स आ सकते हैं, उससे मशीन की ओवर हीटिंग होने की वजह से ओवरलोड हो सकता है, जल सकती है चीजें। तो ये बहुत ज्यादा जो मशीन थी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, और एक सिंपल एक शॉक का एक इनिशियल हमने एक शुरुआत की थी कि यस वी कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस यूजिंग दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। सो यूनिवैक एंड इनियाक कंप्यूटर्स वर द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछते हैं यूनिवैक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था। सो दिस वॉज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द दे हैड सम एडवांटेजेस, but more number of disadvantages were attached to it. Advantages was it was only electronic device and the first device to hold memory. भाई हमने पहली बार कंप्यूटर बनाया तो था, तो ये हमारे लिए तो एक एडवांटेज था कि yes we had something which can hold memory. हमसे हमारे अलावा ह्यूमन बींग के अलावा और कोई मेमोरी होल्ड, भाई एनिमल से तो हम काम नहीं करा सकते थे, उनसे याद करने के लिए तो नहीं बोल सकते मेरे बदले में तुम याद करके रख लो, वैसा कर नहीं सकते थे। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो हमारे लिए होल्ड कर सकता था, एंड दैट होल्डिंग डिवाइस वाज कंप्यूटर, मेमोरी होल्डिंग डिवाइस। तो एडवांटेजेस तो ये इसके थे, डिसएडवांटेजेस वाज लाइक इट वाज टू बल्की इन साइज, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी, जैसे आपको बताया कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते, हीट प्रोड्यूस करने के कारण वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जल जाते थे, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज टू बर्न फ्रीक्वेंटली। और जब इतनी जल्दी जल्दी वैक्यूम ट्यूब्स जल रहे हैं तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस का प्रॉब्लम तो होना ही होना है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सफर फ्रॉम दीस सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज, एंड इन सब के कारण फिर आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो पहला था 1940 से 56, अभी 1956 से 63, सेकेंड, इसको हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे ट्रांजिस्टर्स को यूज करना स्टार्ट किया। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, अभी हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। और ट्रांजिस्टर को जब हमने यूज किया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो वो जो हमारा जो लैंग्वेज था, हमने बाइनरी लैंग्वेज पे कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज को, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज किया इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस। मशीन के साथ कम्युनिकेशन के लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी डेवलप किया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन कंप्यूटर के साथ हमें अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो उनके लो लेवल लैंग्वेज में ही वो कम्युनिकेशन होता है। मशीन जो भाषा को समझती है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और एज अ ह्यूमन बींग हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए हम वहां पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने बनाया, मतलब जो हम बना सकते थे, जो हम अपने सिंबल्स को यूज करके बना सकते थे, वो लैंग्वेज का दो फॉर्मेट बनाया जिसको कि कुछ एग्जांपल्स थे कोबोल, फोर्ट्रॉन्स, इनका इस्तेमाल किया हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का। जब भी हमें इंस्ट्रक्शन देना होता था उसके लिए कंप्यूटर्स में हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इजाद किया था। These were also the first computer that stored their instruction in their memory. Memory में instruction तक store करने का काम second generation of computers में होने लगा था। तो पहले generation of computers से ये relatively faster था।
थोड़ा कम स्पेस लेता था, हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, मतलब हीटिंग कम हो गई थी, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, हीटिंग थोड़ी कम हो गई थी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट डिवाइस, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब के और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जगह पे अभी हमने ट्रांजिस्टर्स यूज करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन साइज रिड्यूस हो गई, उससे रिलेटिवली फास्ट था, मच रिलायबल हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। साइज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था जो हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में सॉल्व किया, उसके साइज को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया था, लेकिन डिसएडवांटेजेस अभी भी थे, हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज ट्रांजिस्टर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ही चलते हैं, तो ट्रांजिस्टर्स लगने के कारण हीटिंग अभी भी हो रही थी लेकिन कंपैरेटिवली कम थी। लेकिन ये साइज कंसिडरेबली आप रिड्यूस तो कर पाए थे लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं था, एंड देर वॉज अ लाइक एक बहुत सारे लोग लगे हुए थे इसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कराने की, उसमें लग रहा था कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए फिर अगेन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, एंड दिस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेंज्ड फ्रॉम 1964 टू 1971, 64 से 71 का टाइमिंग था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। और यहाँ पे जो मेजर रिवोल्यूशन आया कंप्यूटर्स में वो था, हमने वैक्यूम ट्यूब से पहला सफर स्टार्ट किया था, वैक्यूम से ट्रांजिस्टर्स पे आए, ट्रांजिस्टर्स से हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, विच वॉज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचराइज एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स के ऊपर जिसको कि ट्रांजिस्टर्स को हमने पेस्ट किया, वहां पे लाके मिनिएचर करके उसको छोटा बना करके हमने उस पर प्लेस किया। आपने देखा होगा ग्रीन कलर का, अगर आप कंप्यूटर खोलने का भी कभी भी आपको मौका मिले तो आप देखे होंगे एक मदरबोर्ड टाइप की एक डिवाइस, एक ग्रीन कलर का प्लेट शॉर्ट ऑफ, उसमें आप छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को आप देखेंगे लगा हुआ, और उसको हमने एक सिलिकॉन चिप के ऊपर प्लेस किया, और उस पूरे जो सिस्टम थे उसको हमने सेमीकंडक्टर का नाम दिया, सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हुआ, सेमीकंडक्टर्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा उसके बारे में, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ, एंड इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम पंच कार्ड यूज करते थे, जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हम पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हमने जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उसमें कीबोर्ड का मॉनिटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ वन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, एंड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द डिवाइस इज अलाउड डिफरेंट मल्टीटास्किंग को अलाउ किया, बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ चल सकते थे, तो दे अलाउड मल्टीटास्किंग, एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर रिलेटिवली वेरी फास्ट देन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द साइज गॉट smaller because of the use of ICs which were being used in the third generation of computer. The performance increased and the production cost became lesser. The machine got cheaper with due course of time. कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसने अपने शुरुआती दौर से और आज तक, मतलब फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक, हमने देखा है कि उसकी प्राइसेस बहुत कम होती गई हैं, और प्राइसेस कम होती गई, मशीन ज्यादा पावरफुल होती गई, उसकी साइज रिड्यूस होती गई, तो ये तीन चीजें थी जो साइमल्टेनियसली चलती रही हैं कंप्यूटर्स में, साइज को कम होना, प्राइस का कम होना एंड पावर का इंक्रीज होना। तो दिस वॉज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बट आईसीज वर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड दिस वॉज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देन केम द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियस चलते हैं। अभी तक हमने देखा है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक कि हमने हार्डवेयर पे बहुत सारा काम किया, हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक काम हुआ है। फोर्थ उसके बाद उसके अलाइड वर्क जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सब का इजाद, फिफ्थ जनर रोबोटिक्स, ये सब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हिस्सा है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो हमने हार्डवेयर में चेंजेस देखा वहां पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स था थर्ड जनरेशन तक, फोर्थ जनरेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये एक चीज आई जो कि फोर्थ जनरेशन का एक हॉलमार्क है, और माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज द थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट ऑन टू वन सिंगल सिलिकॉन चिप। एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर हमने बहुत सारे आईसीज को इंटीग्रेट किया,
और उससे हमने माइक्रो प्रोसेसर बना लिया. इंटो इंटेल 4004 चिप वॉज डेवलप्ड इन 1971. और यहाँ से आपने देखा होगा कि बहुत सारी 1971 के बाद से ही बहुत सारी आईटी के फील्ड में, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत सारी कंपनीज आई है. सिलिकॉन वैली का फॉर्मेशन हुआ है. 1971 के बाद से कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारा रिवोल्यूशन देखने को मिला है. सो फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल एवरीथिंग वॉज ऑन अ सिंगल चिप. सिंगल चिप से हम सारी एक्टिविटी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी कंट्रोल्ड. एंड हमने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में और भी एक बहुत अच्छी चीज देखी, जो एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन था, वो था GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस. अभी तक में हम सिर्फ नंबर्स ही देख पा रहे थे. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स तक हम नंबर्स देख पाते थे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर. GUI के इंट्रोडक्शन के बाद से हमने टेक्स्ट और ग्राफिक्स को भी, आइकॉन्स को भी कंप्यूटर्स में इंड्यूस किया और कंप्यूटर्स के स्क्रीन पे उसकी विजिबिलिटी हो गई. तो ये GUI की वजह से हुआ. GUI का इंट्रोडक्शन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था. माउस का, हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक जॉयस्टिक्स, पेन, इन सब का जो इस्तेमाल हुआ है वो सब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है. तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था हार्डवेयर के लिए. लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वहां पे हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग के फील्ड में काफी चेंजेस आए, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं. डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है. एवरी डे देर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड वॉइस रिकॉग्निशन जैसी चीजें आ गई हैं. गूगल असिस्ट आपने सुना होगा, वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस बेस्ड सिस्टम हो गया, जो अभी तक में हम माउस और जहां हमने पंच कार्ड से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अभी हम बोल करके कंप्यूटर से अपने काम करवा सकते हैं. और ये बोलना हमारे, ये ह्यूमन लैंग्वेजेस में होता है. हम जो बोल रहे हैं, आप जो नॉर्मल बोलचाल की आपकी भाषा है, आप उसमें बात कर सकते हैं, आप वो बोल सकते हैं. एंड द डिवाइस विल फंक्शन अकॉर्डिंगली. आप अपने इंस्ट्रक्शंस बोल के दे सकते हैं. दैट इज वॉइस रिकॉग्निशन. आपकी लैंग्वेज, आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस के ऊपर मशीन्स अब काम करती है. सेमीकंडक्टर्स की जगह सुपरकंडक्टर्स ने ले ली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ऑगमेंटेड रियलिटी ने, वर्चुअल रियलिटी, दीज आर द बज़वर्ड्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. एंड द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. जो पहले आपने फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में देखा था कि वो पहले मेमोरी को स्टोर कर सकती थी, धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकती थी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक आते आते हमने मशीन्स को ऐसा बना लिया है कि वो इट इज कैपेबल ऑफ लर्निंग थिंग्स, इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज कैपेबल ऑफ थिंग्स लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर. सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. एंड फिफ्थ के बाद अभी बहुत सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आने बाकी हैं, एंड वील सी लॉट मोर इन दिस फील्ड. सो थैंक यू फॉर टूडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. And if you have any problem, any query in this topic, you can always write to me at vijayata@rwc@gmail.com or comment in the comment box. And if you find any problem in the video quality or recording, please excuse my device. I think there is some problem in the machine today. Thank you.